इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता। उग्र शिवाजी कहते, नाग माता कद्रू के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। साथ ही मेघों को आज्ञा दी कि तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। जोर जोर से गर्जने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधरों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वे व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था। भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार पानी गिरा रहे थे। उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थीं। इंद्रदेव की इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। पृथ्वी पर सब ओर पानी ही पानी भर गया। वे शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रामणीय द्वीप में आ गए।